तो पहला जो हमारा इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं फ्लैट बेंच प्रेस, और इस पर हम अपना चेस्ट का वर्कआउट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस, और ये इक्विपमेंट भी हमारे चेस्ट के वर्कआउट के लिए होता है। तो इस इक्विपमेंट पर हम अपने जो अपर चेस्ट है उसको टारगेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस, और इस बेंच पर भी हम अपने जो चेस्ट है उसको ट्रेन करते हैं। तो ये इक्विपमेंट भी हमारे चेस्ट के वर्कआउट के लिए हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मशीन, तो इस पर भी हम अपने जो चेस्ट मसल है उसका हम वर्कआउट करते हैं, और इसी मशीन की हेल्प से हम अपने बैक की जो मसल है उसको भी ट्रेन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स फ्लाई। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों एक्सरसाइज हम इसी एक मशीन पर कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है उसको बोलते हैं चेस्ट प्रेस मशीन, और इस पर हम अपने चेस्ट की जो मसल है उसका वर्कआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, आप इस तरह से इस मशीन पर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो अब ये जो इक्विपमेंट है जिसमें से पहला है फ्लैट बेंच, और जो सेकंड है वो है इंक्लाइन बेंच, और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा डिक्लाइन बेंच। तो इन बेंचेस का यूज़ जैसे हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं और उनमें हम डंबल प्रेस लगाते हैं, जैसे कि फ्लैट डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस और डिक्लाइन डंबल प्रेस, तो हम बहुत सारे एक्सरसाइज इन बेंच पर कर सकते हैं। तो इनको इस वीडियो के अंदर डालने का मेरा मोटिव ये था कि आपको याद रहे कि इंक्लाइन क्या होता है, फ्लैट क्या होता है और डिक्लाइन क्या होता है। तो अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं लैट्स पुल डाउन, ये हमारे लैट्स के मसल के लिए होती है, यानी कि हमारे बैक के मसल के लिए होती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मशीन हमारे शोल्डर के लिए होती है, बट ये हमारे शोल्डर के लिए नहीं होती है, ये हमारे बैक के वर्कआउट के लिए होती है। अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं सीटेड रोइंग मशीन, इस मशीन पर भी हम अपने जो बैक का वर्कआउट है वो करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं टी बार, और ये भी हमारे बैक के वर्कआउट के लिए होता है। किसी के अंदर आपको इसमें हैंडल लगा हुआ मिलेगा, किसी के अंदर नहीं मिलेगा, तो आपने ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं प्रीचर बेंच, और इस पर करते हैं हम अपने बाइसेप्स का वर्कआउट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब जो आप बार देख रहे हो इसको बोलते हैं जिगजैग, और दूसरा इसका जो नाम है वो है इजी बार, ये आपको प्रीचर बेंच पर जो आप एक्सरसाइज करते हो उनमें आपकी हेल्प करती है। तो इस बारबल से हम अपने जो बाइसेप्स हैं, जो ट्राइसेप्स हैं, उनका हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जो बार है इसको बोलते हैं ओलंपिक बॉक्स बार, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है ट्राइसेप्स बार, इस पर हम अपने ट्राइसेप्स और अपने बाइसेप्स का वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब ये जो मशीन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं केबल क्रॉसओवर, और ये काफी बड़ी होती है, तो अब आपको जिम्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस लेती है, तो अब इनके आपको मॉडिफाइड जो वर्जन है वो ही देखने को मिलेंगे जिम के अंदर। तो इस मशीन पर आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। तो अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं फंक्शनल ट्रेनर, और इस पर भी हम अपने जो फुल बॉडी वर्कआउट है वो कर सकते हैं। कम स्पेस लेने की वजह से ये आपको जिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो अब केवल क्रॉसओवर से ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा जिम्स के अंदर। तो अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं सीमित मशीन, और इस मशीन पर हम अपने लेग्स का वर्कआउट, हमारे शोल्डर का वर्कआउट, हमारा चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये मशीन बिगनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें उनको स्टार्टिंग में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइज अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं स्क्वायर ट्रैक,
इस पर हम अपने लेग्स का वर्कआउट करते हैं, जैसे कि हम स्क्वाट लगाते हैं लेग्स के लिए, तो वो हम इस पर कर सकते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं लेग प्रेस, और ये इक्विपमेंट स्पेशली हमारे लेग्स के वर्कआउट के लिए होता है, और हमारे लेग्स में जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो हम इस पर ट्रेन करते हैं। और इसी मशीन पर हम हैक स्क्वाट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो दोनों एक्सरसाइज जैसे कि लेग प्रेस और हैक स्क्वाट इसी मशीन पर हो जाती है। तो अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं सीटेड काफ रेज, और इस पर हम अपने जो काफ मसल है उसको ट्रेन करते हैं, उसका हम वर्कआउट करते हैं। तो अब ये जो इक्विपमेंट है ये है स्टैंडिंग काफ रेज, इस पर भी हम अपने जो काफ मसल है उसको हम ट्रेन करते हैं। तो अब ये जो मशीन है इसको बोलते हैं लेग एक्सटेंशन, और इस पर हम अपने जो लेग्स का वर्कआउट है वो करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं लेइंग लेग कर्ल, इस पर अभी हम अपने लेग्स का वर्कआउट करते हैं। लेग्स में मेनली हम इसमें अपने जो हैमस्ट्रिंग मसल है उनको ट्रेन करते हैं। अब ये जो मशीन है इसको बोलते हैं सीटेड लेग कर्ल, और इस मशीन पर अभी हम अपने लेग्स का वर्कआउट करते हैं, और लेग्स में हम अपने हैमस्ट्रिंग मसल को ट्रेन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो इक्विपमेंट है इनको बोलते हैं डंबल, तो इनके बारे में तो सबको ही पता है, लेकिन जिस पर ये डंबल रखे हुए हैं इसको बोलते हैं डंबल रैक। तो अब ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं वेट ट्री, जिस पर कि आप देख सकते हो कि वेट रखा हुआ है। तो ये जो इक्विपमेंट है ये आपको जिम के किसी कोने में रखा हुआ मिल जाएगा, जो कि मेनली जंपिंग एक्सरसाइज और जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है उनके लिए यूज होता है। तो इस इक्विपमेंट का नाम है स्टेपर। तो अब हमारा लास्ट जो इक्विपमेंट है वो है फोरआर्म्स मशीन, और इसका जो दूसरा नाम है वो है रिस्ट गार्ड, और इस पर हम अपने जो फोरआर्म्स मसल है उसको ट्रेन करते हैं।